Hi and good morning, everyone. Good morning, all of you. Good morning, guys. तो स्वागत है आप लोगों का स्टडी आईएएस में. एंड आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज कि आज आपके जो चैनल है स्टडी आईएएस, उसको 4 years हो चुके हैं. तो आज आपकी 4th एनिवर्सरी है स्टडी आईएएस की. ऑल राइट, सो इट्स बीन रियली वेरी गुड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड आप लोगों का साथ भी. ओके, चलिए. तो आप लोगों को पता है कि रेगुलरली मैं स्टडी आईएएस पर रोज सुबह 8 बजे लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए द हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस. तो आज आपकी तारीख है 19th of June. ठीक है, आज सैटरडे का दिन है. तो आज उम्मीद करते कि ज़्यादा खबरें नहीं हैं. ठीक है तो इम्पॉर्टेंट भी है आज की खबरें, डिफरेंट भी हैं, तो आज ज़्यादा अच्छा भी लगेगा न्यूज़पेपर. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग लाव्या, शुभम, अभिजीत, संतोष, सिमरन, सोहेल, मेघा, ब्रिजेश, कंचन, सुशांत. रशियन प्रेसिडेंट इज ऑल्सो हियर. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन. चल तो क्लास को करते हैं स्टार्ट. एंड एज यू ऑल नो, क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातचीत अनअकैडमी के बारे में कर लेते हैं. देखो, अनअकैडमी लेकर आ गया आप लोगों के लिए कॉम्बो प्राइजेस. इफ यू वॉन्ट टू टेक सब्सक्रिप्शन, आप लोग देख सकते हो उसे. उसके बाद यहाँ पर है पर्सनल मेंटोरिंग. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स रिलेटेड टू अनअकैडमी, सो यू विल गेट पर्सनली. यहाँ पर आपको मेंटोर किया जाएगा, ठीक है, गाइडेंस दी जाएगी. 100 seats हैं इसमें, आप लोग देख सकते हैं. देन मूविंग फॉरवर्ड, ये है आपका महा सब्सक्रिप्शन ऑफर, जिसमें आपके 4 months जो हैं सब्सक्रिप्शन के, वो यहाँ पर एक्सटेंड कर दिए गए, 4 महीने और आगे बढ़ा दिए गए. तो जब भी सब्सक्रिप्शन लो, चैनल का नाम ज़रूर ऐड करना, ठीक है, एज अ कोड. इससे क्या होगा कि आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा. एज यू डू ऑनलाइन शॉपिंग, तो आप लोग कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो, वैसे ही आप लोग यहाँ पर अगर चैनल का नाम यूज करोगे, यू विल गेट 10% ऑफ. ओके, एंड इफ यू वांट टू डू योर यूपीएससी प्रिपरेशन ऑन अनअकैडमी, सो अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू विद लोन. तो यहाँ पर आप लोन की सुविधा ले सकते हैं और यहाँ पर इजिली आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं अपनी, ठीक है. फिर यहाँ पर देखिए 20 books आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं, जो कि आपके यूपीएससी एक्सपर्ट द्वारा क्रिएट करी गई हैं. एंड इनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है आपकी करीब 10,000 रुपये. 10,000 रुपये इनकी कॉस्ट प्राइस है, ऑल राइट. बट ये यहाँ पर आपको जब सब्सक्रिप्शन लोगे तो ये मिल जाएंगी आपको बिल्कुल फ्री, ठीक है, और हिंदी में भी अवेलेबल है. सो द स्टूडेंट्स हुआ लाइक हिंदी मीडियम, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर ये भी एक फ़ायदा रहेगा. ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर यहाँ पर आपकी बात करी जा रही है अनअकैडमी के कॉम्बैट की. देखो, ये हर संडे को होती है, कल भी होगी 11 बजे. एक बार इसमें पार्टिसिपेट करके ज़रूर देखना, फ्री है और आराम से आप लोग एक बार 11 बजे पार्टिसिपेट करके ज़रूर देखना. फ्री टेस्ट है आपका, और अगर टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो तो क्या है ना कि आपको मौका मिलेगा कम्पीट करने का थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स के साथ. टेस्ट आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा. 1 घंटे का टेस्ट है, 60 questions आएंगे, ठीक है जी. चलो, ये बैचेस हैं यहाँ पर नए स्टार्ट हो रहे हैं. जिसको भी इंटरेस्ट हो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, ठीक है, वो इन बैचेस को भी देख सकता है. ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मिशन लबासना, इंडियन एनसीसी कैडेट, ऋतिक, नो, अगर आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हो तो आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है. गुड मॉर्निंग क्रेजी, शुभ्या, सोलफुल, भारती, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को. चलिए अब यहाँ पे देखो, जो पहली खबर है आज की आपकी, ये बात कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है इंटरवीन करने के लिए. यानी कि इंटरवीन मतलब इंटरफेयर करने के लिए, कि हम भैया यहाँ पर किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं रखेंगे. किस चीज़ में इंटरफेरेंस नहीं रखेंगे, क्योंकि देखो क्या है ना, हाई कोर्ट का अभी एक पर्टिकुलर आपका, आप लोगों को पता है, हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था, एक डिसीजन आया था, जिसमें यहाँ पर बेल जो थी वो ग्रांट कर दी गई थी. अब ये बेल किसको ग्रांट करी गई थी, जो आपके एक्टिविस्ट स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जो आपके दिल्ली में राइट्स हुए थे, ठीक है, दिल्ली में जो दंगे वगैरह हुए थे, आपके जो CAA के, जो आपका CAA एक्ट है, ठीक है, उसके तहत यहाँ पर जो दंगे वगैरह हुए थे, तो यहाँ पर आपके कुछ स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जिनको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया था अंडर योर UAPA एक्ट, ठीक है, UAPA एक्ट के अंतर्गत इनको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया था.
क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की चीजें यहाँ पर करी जा रही थी, क्योंकि देखो जो आपका यूएपीए है, हम लोगों ने आई थिंक कल भी इसको डिस्कस किया था. सो ये बेसिकली जो आपकी अनलॉफुल एक्टिविटीज होती हैं, और जो भी व्यक्ति, चाहे कोई इंडिविजुअल हो चाहे कोई ग्रुप हो, अगर वो इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहा है तो उसको यहाँ पर सीधे अरेस्ट कर लिया जाता है और यहाँ पर बेल भी प्रोवाइड नहीं होती. बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका जून 15 को ये जो ऑर्डर था आपका, ये यहाँ पर पास करा गया. यहाँ पे बोला गया कि इनको यहाँ पर बेल प्रोवाइड कर देनी चाहिए. ठीक है, फिर यहाँ पर बात आ गई. देखिए, तो ये आपके कुछ, ये आपके जस्टिस हैं हेमंत गुप्ता जी, जो कि आपकी सुप्रीम कोर्ट के. तो उन्होंने बोला कि द इशू इज इम्पॉर्टेंट, इट हैज पैन इंडिया रैमिफिकेशन, देर आर मेनी क्वेश्चन इन्वॉल्व हियर, वी वॉन्ट टू डिसाइड इट फॉर द गुड ऑफ द इंटायर कंट्री. अब देखो यहाँ पर क्या है कि इनको अंदर रखने का कोई मतलब तो था नहीं. ठीक है, वो लास्ट ईयर जो आपके इतने सारे राइट्स वगैरह हुए थे तो उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी. उसके बाद यहाँ पर हाई कोर्ट ने इनको बेल प्रोवाइड कर दी. एज यूजुअल वैसे आपको जो है यूएपीए के अंदर बेल प्रोवाइड नहीं होती है, बट यहाँ पर इनको बेल दे दी गई है. ओके, अब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, आप लोगों को इनका नाम याद रखने की ज़रूरत है. ठीक है, कि इनका नाम क्या है, क्या चीज़ है, ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. इम्पोर्टेंट क्या है, आपका यूएपीए एक्ट. UAPA एक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके तहत यहाँ पर हमें काफ़ी हद तक प्रोटेस्ट देखने को मिला था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई थी, इनको अरेस्ट किया गया था. ठीक है, तो वहीं पर ये सारी बातें. तो UAPA आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बेसिकली आपका ये लाया गया था कॉम्बैट करने के लिए टेरर को. ठीक है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती थी, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ वगैरह होती थी, तो उसके प्रिवेंशन के लिए ये एक्ट लाया गया. तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसने वेडनेसडे को यहाँ पर बेसिकली, सॉरी, यहाँ पर आपकी बात करी जा रही है यूएपीए के बारे में, तो 1967 में इसको यहाँ पर लागू करा गया था. इसमें अमेंडमेंट भी हो चुके हैं, एक आपका 2006 में हुआ था, एक हुआ है 2019 में. ठीक है, जिसमें 2019 वाले में क्या था कि कोई भी इंडिविजुअल अगर ऐसी कोई भी हरकत करता हुआ पाया गया तो उसको भी यहाँ पर इस एक्ट के अंतर्गत यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाएगा. ठीक है, और ये आपकी जो गवर्नमेंट है उसको एम्पावर करता है कि वो डेजिग्नेट करे इंडिविजुअल्स को एज टेररिस्ट. प्रीवियसली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही डेजिग्नेट किया जाता था, बट उसके बाद 2019 में क्या है कि आपके जो इंडिविजुअल्स भी होते हैं ना, इंडिविजुअल्स को भी यहाँ पर आपका इसके अंतर्गत ला दिया गया कि ये भी आपके टेररिस्ट ही कहलाएंगे. ठीक है, चलो फिर यहाँ पर आगे बात करी जाती है कि आपका ये जो आपकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है. ठीक है, तो ये यहाँ पर एम्पावर करती है आपकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसका यहाँ पर जो भी आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, वो यहाँ पर आपके, उनके हाथ में सारी परमिशन होती है, जो भी यहाँ पर आपकी चाहे सीज करनी हो प्रॉपर्टीज़ या फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, वो यहाँ पर जो आपका रैंक ऑफ इंस्पेक्टर होते हैं, ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वही यहाँ पर आपका पूरा केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं. ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके बहुत सारे टेररिस्ट वगैरह थे वो इसी के तहत यहाँ पर अरेस्ट किए गए थे. ठीक है, तो ये आपका पूरा यूएपीए है, और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ही आप लोगों के लिए पूरी न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आपको किस चीज़ पर तवज्जो देनी है, सिर्फ और सिर्फ यूएपीए पे. ठीक है, ऑल राइट, क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं. अगली खबर देखो यहाँ पर, ट्विटर ग्रिल बाय एमपीज ओवर वायलेशन ऑफ न्यू आईटी रूल्स. बेसिकली क्या है कि सोशल मीडिया, अभी आप लोगों को पता है कि आपके हमारे देश में आईटी रूल्स आए थे, ये आईटी रूल्स आए थे आपके 25 फरवरी 2021 में ये आपके आईटी रूल्स आए थे, और इनको अभी हाल फिलहाल में लागू करा गया. अब जब यहाँ पर ये आईटी रूल्स आए थे तब भी ये काफी हद तक यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा था कि ये जो आईटी रूल्स हैं आपके, ये यहाँ पर वायलेट कर रहे हैं. ठीक है, जो लोगों की प्रिवेसी है, जो उनके राइट्स हैं, उनको यहाँ पर वायलेट कर रहे हैं ये, तो इस तरीके की बातें करी गई थी. अब फिर यहाँ पर क्या हुआ कि जब इसको एनफोर्स करने की बात करी गई कि इसको लागू कर देते हैं, तो आपकी जो सोशल मीडिया वगैरह थे वो यहाँ पर थोड़ा सा भड़क गए, स्पेशली आपका व्हाट्सएप, ठीक है, एंड योर ट्विटर, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर उधम मचा रहे हैं. ठीक है, ट्विटर ने तो साफ साफ बोल दिया था कि वो यहाँ पर किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं करेगा. तो यहाँ पे देखिए, अभी हाल फिलहाल में आपके फिर व्हाट्सएप ने तो सू भी कर दिया था, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसको, कि वो उनके साफ साफ बोला गया था कि भैया ये क्या कर रहे हैं, ये ना जो हमारी प्राइवेसी है, जो मतलब आपकी जो प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही आपका आता है. ठीक है, तो यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया था, व्हाट्सएप के द्वारा, कि ये जो प्राइवेसी है लोगों की, वो यहाँ पर
आपकी वायलेट करी जा रही है। अब आईटी रूल्स की अगर हम बात करें तो देखो आईटी रूल्स आपके यहाँ पर इसीलिए लाए गए थे कि जो सोशल मीडिया है आपका, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, चाहे ओटीटी हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोगों ने जैसे आपके ओटीटी में क्या होता है कि जो कंटेंट होता है वो किसी भी तरीके का कंटेंट यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, उसे डिस्प्ले कर दिया जाता है। क्यों डिस्प्ले कर दिया जाता है? क्योंकि बेसिकली क्या है कि जैसे आपके अमेजोन वगैरह हो गया, अमेजोन प्राइम है और आपका नेटफ्लिक्स वगैरह है, तो उस पर किसी भी तरीके का कंटेंट आपको मिल जाता है। इट इज़ लाइक नॉट डिफाइंड, इसको क्लासीफाई नहीं किया जाता कि ये आपका 18 प्लस से नीचे का है, ठीक है, या फिर आपका 18 से नीचे का है या फिर आपका 18 प्लस है। तो इस तरीके की क्लासिफिकेशन होना कंटेंट्स में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो यहाँ पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी या किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करे, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे जो सरकार है वो इस चीज़ पर फिर आगे जाके अपने कड़े नियम जो भी होंगे वो यहाँ पर लागू करेगी। फिर यहाँ पे बात आती है सोशल मीडिया की। तो सोशल मीडिया जैसे आपका इंस्टा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे इंस्टा वगैरह चलाते होंगे, इंस्टा हो गया आपका, ठीक है, व्हाट्सएप है, तो ये सारे क्या हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो यहाँ पर जैसे व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ देखने को मिलती है कि मतलब कोई ना कोई फेक न्यूज़ आपको जो भी है वो आपकी कहाँ से अराइज होती थी, हमेशा व्हाट्सएप से होती थी। तो इस वजह से यहाँ पर व्हाट्सएप को साफ साफ बोल दिया गया कि भैया आपकी तरफ से यहाँ पे फेक न्यूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, ठीक है, अंडर दीज आईटी रूल्स। और यही चीज़ यहाँ पर इंस्टाग्राम के लिए भी आई कि इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तो यहाँ पर ज़्यादातर अग्रेशन लोगों का बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और लोग बहुत मिसयूज़ भी करते हैं, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका फेसबुक हो। फेसबुक को तो बहुत टाइम से मिसयूज़ करते हुए आ रहे हैं लोग, ठीक है, इधर उधर की कोई फेक आईडीज़ बनाते हैं, फेक आईडीज़ बनाने के बाद क्या करते हैं कि महिलाओं को परेशान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं हद तक गलत हैं। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पर आपके आईटी रूल्स आए थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ट्विटर और व्हाट्सएप वगैरह ये थे, ये लोग पहले मान नहीं रहे थे कि हम लोग नहीं मानने वाले हैं इन एक्ट्स को, ठीक है, इन जो आपकी ये गाइडलाइंस आई हैं, ठीक है, इनको नहीं मानेंगे। और इन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि हम यहाँ पर किसी भी तरीके से कोऑपरेट भी नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, हाल फिलहाल में खबर ये आ रही है कि सोशल मीडिया गाइन ट्विटर है, ठीक है, ट्विटर आपकी US बेस्ड कंपनी है, तो इसने यहाँ पर इट वॉज एट द रिसीविंग एंड ऑफ द प्रोलॉन्ग क्वेश्चनिंग बाई द मेंबर्स ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी। देखो यहाँ पर क्या है ना, जो स्टैंडिंग कमिटीज वगैरह है वो यहाँ पर इनसे क्वेश्चन कर रही है कि ये यहाँ पर जो आपके ऑफिसर्स वगैरह, यहाँ पर बोला गया था कि जो ऑफिसर्स वगैरह हैं उनको यहाँ पर लागू करना होगा, ठीक है, ताकि जो भी आपके इश्यूज होंगे, आपके एक ग्रीवियंसेस ऑफिसर यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि जो भी किसी के इश्यूज होंगे वो यहाँ पर आपके जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि जो आपकी स्टैंडिंग कमेटी ऑन इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, जिसको हेड कर रहे थे कांग्रेस के लीडर शशि थरूर, ऑन नॉन कंप्लायंस विद द न्यू आईटी रूल्स, यूजेज ऑफ द मैनिपुलेटेड मीडिया टैग एंड फैक्ट चेकिंग। सो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, जो सीनियर मैनेजर है आपके पब्लिक पॉलिसी शाह गुप्ता कामरान और जो आपके ट्विटर इंडिया लीगल काउंसिल आयुषी हैं, दे वर प्रेजेंट एट द मीटिंग। सो द कमिटी मेंबर्स यहाँ पर वो क्रिटिकल, मतलब दे वर वेरी क्रिटिकल अबाउट ट्विटर एंड दे वर ड्रैगिंग इट्स फीट ऑन द कंप्लाइंट न्यू आईटी रूल्स। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यू नो, तो यहाँ पर ट्विटर ने क्या किया है, जो ऑफिशियल्स थे उन पर यहाँ पर क्लेम कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर उनके तहत यहाँ पर क्लेम कर दिया कि इस तरीके की यहाँ पर चीज़ें हो रही थी। तो ट्विटर जो है, ट्विटर ने जो आपके MPs वगैरह हैं उनके ऊपर जो वायलेशन हुआ है, ठीक है, न्यू आईटी रूल्स का, उसके तहत यहाँ पर अपनी बात रखी है। ऑलराइट, बाकी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आईटी रूल्स, ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, आईटी रूल्स है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, नो डिमांड फॉर वर्चुअल सेशन सेज योर लोकसभा स्पीकर। तो यहाँ पर क्या है कि लोकसभा स्पीकर कौन है, पहले तो ये बता दो आप, लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिरला जी, ओम बिरला जी हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, दे मे हैव रिटन लेटर्स अबाउट होल्डिंग अ वर्चुअल सेशन। तो बेसिकली क्या है ना कि अभी देखो कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो कोविड की सिचुएशन में ये बोला जा रहा है कि सब लोग ना अपने घर से बैठ के यहाँ पर जो आपके पार्लियामेंट के सेशन होते हैं उनको यहाँ पर अटेंड करें। अब पार्लियामेंट के सेशन आप लोगों को पता है कि मौसम के हिसाब से यहाँ पर सेट करे जाते हैं, है ना, मौसम के हिसाब से यहाँ पे सेशन जो होते हैं आपके वो सेट करे जाते हैं। कैसे सेट होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पर क्या है,
जो समन किया जाता है आपके पार्लियामेंट को, इट इज स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो समनिंग होती है आपके पार्लियामेंट की, इसको स्पेसिफाई किया गया है कहाँ पर, आर्टिकल 85 में, 85 आर्टिकल में आपके कॉन्स्टिट्यूशन के. तो जो पावर होती है टू कन्वीन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट रेस्ट विद द गवर्नमेंट, सो द डिसीजन इज टेकन बाय द कैबिनेट कमेटी. ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका सेशन वगैरह होता है, ठीक है, तो वो जो डिसीजन रहता है वो आपके कैबिनेट कमेटी के अंतर्गत आता है ऑन द पार्लियामेंट्री अफेयर्स, विच इज फॉर्मलाइज बाय द प्रेसिडेंट एंड इन हूज नेम्स एमपीज आर समन टू मीट फॉर अ सेशन. ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया डज नॉट हैव अ फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर. तो इंडिया के पास क्या है, एक फिक्स पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है, तो उसी के हिसाब से क्या करते हैं ये लोग, और ना ही ये चीज जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है. इस तरीके की कोई भी चीज यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड नहीं है. तो पार्लियामेंट ने क्या करा है कि अपने ना 3 सेशन बना लिए, कि हम पूरे साल में 3 ऐसे सेशन बना लेते हैं जिसमें हम लोग यहाँ पर इजीली मिल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला और सबसे जो बड़ा सेशन इनका रहता है वो होता है बजट स्तर. बजट सेशन जो रहता है इनका वो सबसे बड़ा होता है. ठीक है, ये सेशन आपका पहला सेशन होगा जो कि आपके एंड ऑफ जनवरी से यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और कंक्लूड कब करता है, अप्रैल में आते आते. अप्रैल ये आपके मई के फर्स्ट वीक तक आते आते ये आपका एंड होता है. फिर सेशन दूसरा होता है आपका. अब इसी सेशन को हम सेशन हैज अ रिसेस सो दैट पार्लियामेंट्री कमिटी कैन डिस्कस द बजटरी प्रपोजल. तो आप लोग समझ सकते हैं बजट सेशन है, यानी कि बजट के जितने भी इश्यूज हैं, सारी चीजें हैं, वो आपके इस सेशन में सब डिस्कस होंगी. ठीक है, फिर आता है आपका सेकेंड सेशन. सेकेंड सेशन कैसा है आपका, मानसून सेशन है, क्योंकि इसी टाइम पर हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा मानसून आने वाला है ना. तो ये आपका 3 वीक का मानसून सेशन रहता है जिसमें आपका जुलाई से ये स्टार्ट होता है और 3 हफ्ते लगा लीजिए, फिर आप अगस्त में ये जाके खत्म हो जाएगा. थर्ड सेशन आपका होता है विंटर सेशन. विंटर सेशन आपका नवंबर से लेकर दिसंबर तक होता है, थर्ड सेशन है ये. तो 3 सेशन आपके इस तरीके से होते हैं. ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई कि सेशंस किस किस हिसाब से होते हैं यहाँ पर. तो हमारे यहाँ कोई परमानेंट कैलेंडर नहीं है, ठीक है, कोई फिक्स कैलेंडर नहीं है पार्लियामेंट्री. तो उसी हिसाब से यहाँ पर क्या है कि 3 स्तर रख दिए, 3 सेशंस रख दिए कि इन सेशंस में हम लोग यहाँ पर मिलेंगे. ठीक है, उन सेशंस को आप लोग याद रखना, कौन सा सबसे बड़ा सेशन होता है जिसमें सबसे ज्यादा समय लगता है, और कौन सा आपका फिर आपका मानसून सेशन आ जाता है. ठीक है, और फिर आता है आपका विंटर सेशन. ठीक है जी, तो यहाँ पर यही चीज बोली गई है कि अभी देखो कोविड की सिचुएशन की वजह से यहाँ पे बोला जा रहा था कि वर्चुअल सेशन रख लेते हैं. अभी कौन सा सेशन स्टार्ट होने वाला है, अभी कौन सा सेशन स्टार्ट होने वाला है, मॉनसून सेशन. मॉनसून सेशन यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है. ठीक है, तो मॉनसून सेशन यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है. तो सब बोल रहे थे कि भैया वर्चुअल सेशन रख लेते हैं, सब लोग अपने यहाँ पर घर पे बैठे रहेंगे और उसी के हिसाब से यहाँ पर जितनी भी चीजें होंगी उनको डिस्कस कर लेंगे. पर यहाँ पर क्या है, जो मतलब आपके लोकसभा स्पीकर है, उन्होंने बोला है कि बेसिकली क्या है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा वर्चुअल सेशन नहीं होना चाहिए. दो यहाँ पर पैंडेमिक है, पर यहाँ पर क्या है कि हम इंश्योर करें कि हम लोग यहाँ पर इजीली यहाँ पर एक दूसरे से ऐसे मिलके यहाँ पर बातचीत कर लें. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर बात यहाँ पर हुई है. तो आप लोगों के इम्पोर्टेंट है कि पार्लियामेंट के सेशंस कौन कौन से होते हैं. ठीक है, कल को अगर कोई क्वेश्चन भी बन जाएगा इस चीज़ पे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि सबसे पहले आपका बजट सेशन होता है, फिर आपका मानसून सेशन, एंड देन योर विंटर सेशन. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे देखो, सेल ऑफ इलीगल HTBT कॉटन सीड्स डबल्ड. अब यहाँ पर क्या है कि आपकी HTBT कॉटन क्या है, ये आप लोगों को मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले हम लोग जानेंगे और भी सारी चीजें. तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सेकंड मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ. देखो, देखिए, द इलीगल कल्टिवेशन ऑफ योर हर्बिसाइड टॉलरेंट, HT का मतलब हर्बिसाइड टॉलरेंट BT कॉटन हैज बीन अ ह्यूज जंप दिस ईयर विद सीड मैन्युफैक्चरर्स क्लेमिंग दैट द सेल ऑफ इलीगल सीड पैकेट हैज मोर देन डबल फ्रॉम द 30 लाख लास्ट ईयर टू 75 लाख दिस ईयर. तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि आपका जो इलीगल कल्टिवेशन है, किस चीज का इलीगल कल्टिवेशन है, हर्बिसाइड टॉलरेंट BT कॉटन का, ये यहाँ पर हमें इस साल काफी हद तक आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो यहाँ पर इसको बनाते हैं वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि पिछले साल क्या था कि आपके करीब 30 लाख थे, 30 लाख पैकेट वगैरह की यहाँ पर बिक्री हुई थी, पर इस बारी क्या हुआ है कि 75 लाख पैकेट जो हैं इस साल में वो हमें यहाँ पर बिकते हुए नजर आए. तो जो इंडस्ट्री लॉबी है वो आपका, उसने यहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को यहाँ पर लिखा है, उन्होंने डिमांड करी है कि इस चीज पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर
जो ये सेल हो रही है, ठीक है, ये आपका काफी हद तक मतलब गलत है, पनिश करना चाहिए ऑफेंडर्स को, क्योंकि देखो ये इलीगल तरीके से यहाँ पर ये चीजें जो हो रही है, ठीक है, तो ये यहाँ पर काफी गलत है. और नथिंग दैट कल्टिवेशन ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन वेरियंट हैज सीरियस एनवायरमेंटल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस. तो ये आपका बेसिकली जो आपकी बीटी कॉटन है ना, ये कैसी आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, ठीक है, उसका एक वेरियंट है ये, और ये इन्वायरमेंट के हिसाब से काफी हद तक प्रॉब्लमैटिक है, और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे. अब ये आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड देखिए क्या है कि जैसे ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसका एक्सट्रैक्शन होगा, ठीक है, आइसोलेशन होगा, उसके बाद क्या होगा कि क्लोनिंग हो जाएगी आपके और डिजाइन करी जाएगी आपकी जीन्स को, ठीक है, जीन्स को यहाँ पर डिजाइन करने के बाद इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा. तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है. फिर यहाँ पर जो आपका टिश्यू कल्चर होगा, टिश्यू कल्चर के बाद यहाँ पर आपका जो प्लांट है वो यहाँ पर उग जाएगा, उसके बाद होगी आपके प्लांट की ब्रीडिंग. तो इस तरीके से इस मेथड को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि ये जेनेटिकली आपके मॉडिफाइड हो गए यहाँ पर, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है यहाँ पर. अब ये यहाँ पर आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से काफी हद तक बेकार रहते हैं. और दूसरी चीज देखो क्या है, अभी तो हम लोग यहाँ पर पैंडेमिक को फेस कर रहे हैं, ठीक है, अभी यहाँ पर एक वायरस है जो कि वायरस आपका ह्यूमंस के अंदर फैल के काफी हद तक एक रिस्क पैदा कर रहा है. बट यहाँ पर आप लोगों को ये भी पता होगा कि अगर हम इस तरीके से जो आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन वेरियंट है अगर हम उसका इस्तेमाल करते तो वो हमारे एनवायरमेंट पर बहुत सीरियस इम्पैक्ट डाल सकता है. और इस चीज से क्या होता है कि आप लोगों को खुद ब खुद पता होगा कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में इजीली वायरसेस वगैरह ये सारी चीजें जो होती हैं, बैक्टीरिया वगैरह, ये लग जाते हैं. और इसकी वजह से क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर एक और पैंडेमिक नहीं झेल सकते, क्योंकि अगर आपके प्लांट्स में पैंडेमिक आ गया, ठीक है, अगर प्लांट्स में किसी भी तरीके का ऐसा बैक्टीरिया है या कोई भी ऐसी चीज है वो यहाँ पर ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ गई, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा. तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया था कि ये जो आपकी HTBT कॉटन की जो सीड्स है इनकी जो बिक्री इतनी डबल हो चुकी है, ठीक है, और जो कि इलीगल है. तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर किसी भी तरीके से इस पे एक्शन ले. आपके महाराष्ट्र ने इसको पहले ही यहाँ पर, जब महाराष्ट्र में आपका आई थिंक 3 साल हो गए महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र इसके हमेशा अगेंस्ट में रहता है, ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ जब इस चीज की बिक्री ज्यादा हो रही थी तो वो हमेशा इसके अगेंस्ट में रहते ही रहते हैं. अब यहाँ पर देखो जो आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, ठीक है, इन इंडिया अब प्रीमियर, तो बेसिकली ये हैं कि आपकी, ये मैं बता देती हूँ, ये वो क्रॉप्स होती हैं आपकी विच हैज अ जीन आर्टिफिशियली इंसर्टेड इनटू इट फ्रॉम अनदर स्पीशीज इवन अनरिलेटेड टू गिव इट सम डिजायर्ड प्रॉपर्टीज. तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर तो देखो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो आपकी क्रॉप होती है ना, उस क्रॉप को जो उसकी क्रॉप है, ठीक है, जिसकी जो जीन है उसको आर्टिफिशियली इंसर्ट किया जाता है किसी भी मतलब किसी भी और स्पीशीज के जो कोई और स्पीशीज होती है उसके तहत यहाँ पर कर दिया जाता है, चाहे उनका कोई रिलेशन हो या ना रिलेशन हो. पर ये क्यों किया जाता है, ताकि उनको एक डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर दे सके, जैसी हम चाहते हैं वैसी प्रॉपर्टीज यहाँ पर उनको प्रदान कर सकें, तो उसके तहत यहाँ पर इनका मॉडिफिकेशन करते हैं. तो ये जो आपकी जीन मॉडिफिकेशन जो आपकी क्रॉप्स रहती है, दे आर मोस्टली आइदर परसिस्टेंट एंड हर्बिसाइड टॉलरेंट, जैसे आपकी हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन है. ओके, तो यहाँ पर आर दे अदर जीएम क्रॉप्स इन इंडिया, द गवर्नमेंट हैज नॉट अप्रूव्ड कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ अदर जीएम क्रॉप्स थ्रू द एफर्ट्स हैव बीन मेड फॉर ब्रिंजल एंड मस्टर्ड. तो यहाँ पर क्या है कि काफी सारे जो एफर्ट्स हैं वो आपके ब्रिंजल और मस्टर्ड के लिए यहाँ पर करे गए हैं, बट यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट ने अभी इस चीज पर अप्रूवल नहीं दिया है कि यहाँ पर आपका जो ब्रिंजल है और जो मस्टर्ड है वो इसके तहत यहाँ पर आए. ऑलराइट, बट आपका जो बीटी कॉटन है वो यहाँ पर आपको उसमें देखने को मिलेगा. ओके, सो व्हेन डिड इंडिया गेट्स इट फर्स्ट जीएम क्रॉप, तो इंडिया को सबसे पहले इसकी जो जीन मॉडिफाइड क्रॉप थी वो कब मिली. तो जो पहली क्रॉप थी, जो पहली वैरायटी थी जिसको अप्रूवल दिया गया था, कमर्शलाइजेशन दी गई थी, वो थी आपकी बीटी कॉटन. बीटी कॉटन को यहाँ पे दी गई थी, ठीक है. तो जो आपकी बॉलीगर्ड वन है विच प्रोवाइडेड इम्यूनिटी अगेंस्ट द पिंक बॉलवॉर्म एंड डेवलप्ड बाय द मोनसेंटो वाज गिवन द गो अहेड इन 2002. तो जो आपका मोनसेंटो है इट रिलीज बॉलगार्ड 2 इन 2006. तो इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन पार्शियली ड्यू टू बीटी कॉटन विच अकाउंट्स फॉर ओवर 90% ऑफ द टोटल कॉटन कैरी एक्रीएज इन द कंट्री. तो यहाँ पर जो पहली आपकी जो जीएम क्रॉप थी यानी कि जीन मॉडिफाइड क्रॉप थी वो थी आपकी बीटी कॉटन. और अभी किसकी यहाँ पर बिक्री ज्यादा हो रही है, बीटी कॉटन की ही हो रही है, और ये इलीगल है,
क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी जो एनवायरमेंट है उस पर काफी हद तक हमें इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। तो इसी वजह से इसका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर इलीगल कर दिया गया है। ओके, तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि जीन मॉडिफाइड क्रॉप्स कौन कौन सी हैं हमारे देश में, तो ये आप लोगों को पता चल गया कि सिर्फ एक है, वो है आपकी बीटी कॉटन, सिर्फ एक ही है आपकी बीटी कॉटन। बहरहाल यहाँ पे बहुत सारे एफर्ट्स करे जा रहे थे कि ब्रिंजल और मस्टर्ड को भी इसके तहत यहाँ पर कर दें, पर ये अभी हुआ नहीं है, गवर्नमेंट ने इस चीज पर अप्रूवल दिया नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, इंडिया और आपकी तीन यूरोपियन नेशन है जो यहाँ पर आपकी जो नेवल एक्सरसाइज है वो यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। कहाँ पर करने वाले हैं ये? गल्फ ऑफ एडन में। गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर है? एनी लोकेशन? गल्फ ऑफ एडन, जब हम एशिया की तरफ देखते हैं तो गल्फ ऑफ एडन किधर आता है? कोई आइडिया मैप पे जिसकी अच्छी पकड़ होगी वो यहाँ पर बताएगा कि गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर आता है। बताओ जल्दी, गल्फ ऑफ एडन किधर आता है? गल्फ ऑफ एडन, पर्शियन गल्फ, ये सारे आई थिंक एक ही जगह पर है। तो यहाँ पर बेसिकली आपकी खबर ये है कि जो हमारी इंडियन नेवी है और आपकी जो यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स है, ठीक है, तो उनकी यहाँ पर एक्सरसाइज बिगैन होने वाली है। कहाँ पर होगी ये? गल्फ ऑफ एडन में होगी, फ्राइडे को ये बात हो गई है। तो आपकी करीब 5 वॉरशिप्स हैं यहाँ पर, ठीक है, और आपकी नेवी की तरफ से 5 वॉरशिप्स आई हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। 2 दिन की एक्सरसाइज रहेगी ये, इट्स अ 2 डेज एक्सरसाइज। और कौन कौन से यहाँ पर शिप्स हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। INS त्रिकंड है जो कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है इस एक्सरसाइज में। इटली की है आपकी ITS कैरबिनेरी, और स्पेनिश की है आपकी ESPS नवारा, और FS टोनरी है, और FS स्कॉर्फ है आपकी फ्रांस की, ठीक है। तो आपका इटली, स्पेन, आपका इटली, स्पेन और फ्रांस यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इनकी ये जो आपकी शिप्स हैं जो कि 5 वॉर शिप्स हैं जो कि यहाँ पर आपकी पार्टिसिपेट कर रही है। हमारी इंडिया की कौन सी है? INS त्रिकंड। अब ये INS त्रिकंड आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो इसको यहाँ पर आप लोग देखना मत भूलना। आपका होमवर्क ही ये हो जाता है कि आप लोग मुझे बताएंगे INS त्रिकंड के बारे में। INS त्रिकंड, ठीक है, इसके बारे में आप लोग मुझे बताएंगे होमवर्क में कि INS त्रिकंड है क्या, फिर हम लोग इसे कल डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है ना कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि अभी हाल फिलहाल में जो नेवल एक्सरसाइज हुई कहाँ पर हुई? गल्फ ऑफ एडन में हुई। गल्फ ऑफ एडन में हुई, और आपके यहाँ पर 3 आपकी यूरोपियन कंट्रीज थी। कौन कौन सी थी? आपकी फ्रांस है, इटली है, ठीक है, और कौन है? फ्रांस, इटली और स्पेन, ठीक है। तो ये कंट्रीज यहाँ पर रही हैं आपकी जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी। 5 वॉरशिप्स यहाँ पर देखने को मिली, जिसमें हमारी इंडिया की थी INS त्रिकंड, बाकी की आपकी सारी कहाँ की है? आपकी एक स्पेनिश की है, स्पेनिश नेवी की है, ESPS नवारा, ठीक है, और टोनरी, और आपकी जो स्कॉर्फ है वो है आपकी फ्रांस की। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, कंजर्वेटिव क्लेरिक ट्रिप टू विन एज ईरान वोट्स इन प्रेसिडेंशियल पोल। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ईरान में चल रहे हैं आपके इलेक्शंस, ठीक है। तो ईरानियंस जो हैं दे आर वोटिंग, दे हैव वोटेड ऑन फ्राइडे इन अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच जो आपके कंजर्वेटिव क्लेरिक हैं यानी कि कंजर्वेटिव लीडर हैं जिनका नाम है इब्राहिम रैसी। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनकी यहाँ पर विक्ट्री देखने को मिलेगी। आफ्टर ऑल सीरियस राइवल्स वर बैड फ्रॉम द रनिंग। तो यहाँ पे काफी ज्यादा ऑपोजिशन में लोग थे, ठीक है, बट फिर भी यहाँ पर जो वोट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर इनको प्रदान कर दिए गए हैं। ये हैं, ठीक है, ये हैं आपके इब्राहिम रेसी। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे बोला जा रहा है ये काफी हद तक कंजर्वेटिव है जो इनका एक तरीके से कह सकते हैं कि इनका जो स्वभाव रहेगा या सोच है वो काफी हद तक यहाँ पर कंजर्वेटिव है, बट ये यहाँ पर आपके जीत के मतलब ये यहाँ पर जीत चुके हैं। ओके, चलो, वैसे यहाँ पर जो ऑपोजिशन ग्रुप्स थे वो भी यहाँ पर काफी हद तक स्ट्रॉन्ग थे, बट स्टिल चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, आप लोगों को पता है कि हमारे जोसेफ बिडेन है जो कि आपके US प्रेसिडेंट हैं, और हमारे जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, इन दोनों की यहाँ पर मुलाकात हुई, ठीक है, यहाँ पर मीटिंग हुई इन लोगों की। पहली बार यहाँ पर फेस टू फेस एक फेस ऑफ हुआ है दोनों के बीच में, है ना, कह सकते हैं फेस ऑफ रहा है। वैसे तो यहाँ पर वर्ड्स बाय वर्ड्स वॉरशिप चलती रहती थी, अभी यहाँ पर ये लोग मिले
और मिलने के बाद यहाँ पर देखो अब क्या है कि जब आपका G7 वगैरह था, ये सारी चीजें थी, ठीक है, तो उसमें क्या था कि जहां जहां रशिया प्रेजेंट नहीं होता था वहां वहां रशिया की भी बुराई होती थी। अब यहाँ पर रशिया आपके US के साथ है, तो सोचो किसकी बुराई होगी। बस एक आइडिया लगाओ, जब रशिया और US एक साथ हैं तो यहाँ पर किसकी बुराई होगी। कोई आइडिया किसी को? एनी गेसेस? एनी गेसेस किसकी बुराई होगी? बिडेन और आपके पुतिन दोनों एक साथ हैं। एंड गाइस, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, इसे लाइक भी करना है, ठीक है, लाइक करा करो अगर क्लास अच्छी लगती है, और नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक करो। ओके, चलो, तो यहाँ पर डेफिनेटली बात हो रही है आपके चाइना की, चाइना की बुराइयां यहाँ पर करी जा रही है। अब चाइना की बुराई किस लिए करी जा रही है? नहीं संतोष, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से क्या मतलब है, पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, चाइना की बुराई हो रही है यहाँ पर। अब देखिए चाइना की क्या बुराई करी गई है, अब देखो चाइना का कोई ना कोई स्टेटमेंट इस पर जरूर आएगा। देखिए क्या है कि आपके जो बिडेन है, ठीक है, जो आपके बेसिकली प्रेसिडेंट है, आपके कहाँ के प्रेसिडेंट है, US प्रेसिडेंट है, तो इनकी अभी यूरोप में विजिट हुई थी, ठीक है, यहाँ पर आपका बेसिकली फोकस करा गया था तब भी चाइना पर, तो चाइना पे वैसे भी प्राइमरी फोकस जाता ही जाता है, ठीक है, कोई भी मीटिंग हो चाइना तो आपका रहते ही रहते हैं। चाइना उस तरीके की जो आपकी सीरियल्स में वैम्प होते हैं ना, वैसे ही आपका जो चाइना है वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक तरीके का वैम्प है, और वो वैम्प कब से और बन गया है, जब से आपका कोविड आया, क्योंकि सब बोलते हैं कोविड इसी ने फैलाया, स्पेशली आपके डोनाल्ड ट्रंप तो इसको हमेशा चाइना वायरस और वुहान वायरस ही बोलते थे। तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि जब आपके व्लादिमीर पुतिन और आपके जोसेफ बिडेन यहाँ पर मिले, तो इन लोगों ने काफी हद तक यहाँ पर बातचीत करी, और यहाँ पर इनकी करीब आई थिंक 60 मिनट की बातें हुई थी, ठीक है, सिर्फ एक घंटा इन लोगों की बातचीत हुई। वैसे सोचा गया था कि ज्यादा देर बातें करेंगे, पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनकी एक घंटे बात हुई। अब यहाँ पर इन लोगों ने बात करा वेस्टर्न अलायंस पे, वेस्टर्न अलायंस यानी कि जो आपके अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वो विजिट करे थे यूरोप में, और जहाँ पे आपके ये जो नाटो अलायंस थे जो कि यहाँ पर मिले थे। अब नाटो अलायंस हमेशा आप लोगों को पता है कि इट इज अगेंस्ट योर रशिया, ठीक है, जो आपकी सोवियत यूनियन है उसके अगेंस्ट रही है आपकी नाटो। नाटो क्या है? आपकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, तो उसके तहत यहाँ पर बात करी गई थी। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अभी प्राइम फोकस दिया जा रहा है चाइना को, ठीक है, चाइना को क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि देखो आप लोगों को पता है कि चाइना कहीं हद तक यहाँ पर एक उभरता हुआ सितारा भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो चाइना इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो चाइना जब चाहे वो यहाँ पर और भी ज़्यादा स्ट्रांग होकर आपकी US को भी पीछे छोड़ सकता है, ठीक है। तो अभी आप लोगों की G7 की भी यहाँ पर बातचीत हुई थी, जहाँ पर आपके चाइना पर फोकस किया गया था कि चाइना में जिस तरीके के आपके ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि जो आपके जिनजियांग रीजन है वहाँ पे आपके उइगुर मुस्लिम हैं जिनके साथ वो यहाँ पर काफ़ी हद तक का बुरा बर्ताव करता है, जो कि कहीं हद तक गलत भी है। फिर यहाँ पर आपका हांगकांग के साथ, ताइवान के साथ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख के आपके G7 के स्टेटमेंट में यहाँ पर देखी गई थी, ठीक है, मैं यहाँ पर समझा देती हूँ आपको। देखो अभी हाल फिलहाल में G7 हुआ, तो G7 में यहाँ पे जो मुद्दे देखे गए थे, एक तो आपका जो उइगुर मुस्लिम वाला रीजन, उइगुर मुस्लिम्स के साथ जो यहाँ पर चाइना करता है, ठीक है, आपका जो जिनजियांग वाला रीजन आप लोगों ने देखा होगा मैप में, ठीक है, वहाँ पर आपके उइगुर मुस्लिम्स रहते हैं चाइना के अंदर, और ये जो मुस्लिम्स हैं इनके साथ बहुत बुरी तरीके का बर्ताव यहाँ पर चाइना करता है। चाइना इनको हमेशा परेशान करता रहता है, ना तो यहाँ पर इनको नमाज पढ़ने की, जो नमाज होती है वो पढ़ने की यहाँ पर कोई अनुमति नहीं है, ना ये लोग अपनी बियर्ड रख सकते हैं, ठीक है, और जो वेमेंस हैं वेमेंस को यहाँ पर काफ़ी हद तक परेशानियाँ झेलने को मिलती हैं। दूसरी चीज़ आपके ताइवान के साथ जो इनके मतभेद चलते हैं, फिर तीसरा है आपका हांगकांग के साथ भी ये ज़्यादा उद्यम करता है। तो G7 में आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी गई थी। आप लोगों ने देखा है ना चाइना ने क्या किया था, जो G7 समिट हुई है उसमें आपकी कार्टून कैरेक्टर्स यहाँ पे बना दिए गए थे, कार्टून के हिसाब से यहाँ पर आपके जो G7 थे उसको यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया था, ठीक है, अगर किसी ने ये देखा होगा ये न्यूज़ में आया है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपकी G7 में ये बातचीत हुई। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि अभी जब ये दोनों मिले तो यहाँ पर इन लोगों ने चाइना पर पूरा का पूरा फोकस किया है,
चाइना पर अपना फोकस रखा। चाइना पर फोकस क्यों रखा, क्योंकि देखो चाइना हमेशा आपका क्वाड के अगेंस्ट रहता है, और यही सारे मुद्दे यहाँ पर चाइना के तौर पे यहाँ पे उठाए गए थे। क्वाड आप लोगों को पता है, क्वाड आपका चार कंट्रीज का एक पर्टिकुलर अग्रीमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों ने वैसे भी यहाँ पर डिसाइड किया था कि लोग बूस्ट करेंगे अपनी इकोनॉमीज को, और वैक्सीन प्रोडक्शन ये सारी चीज़ें यहाँ पर करने वाले हैं। तो यही सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर इन दोनों के बीच में बातचीत हुई कि किस तरीके से जो चाइना है, चाइना हमेशा इस तरीके की हरकतें यहाँ पर करता रहता है, एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, साइबर अटैक्स करता है। क्योंकि अगर चाइना की बुराइयाँ करी जाएँ तो चाइना बहुत सारी चीज़ें करता है, साइबर अटैक हो गए आपके, ठीक है। अभी अपनी जो उन्होंने जो एयरक्राफ्ट वगैरह थे वो ताइवान की तरफ ले आए थे, तो यही सारी चीज़ों पे बात करी गई है। क्योंकि देखो कहीं हद तक जो आपका रशिया है, रशिया यहाँ पर चाइना के कहीं हद तक सपोर्ट में आ जाता है ना, तो इसी वजह से दोनों के बीच में यहाँ पर बात हुई। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो आपका एडिटोरियल है, एक एडिटोरियल वही आपका फिर से यूएस और रशिया के बीच में आया था, ठीक है, दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई ये सारी चीज़ें। अभी ये जो आपका एडिटोरियल है, ये एडिटोरियल बात कर रहा है कि इंडिया में लुकिंग बियॉन्ड द बाइनरी टू अ स्पेक्ट्रम, बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है कि जो आपके सेम सेक्स कपल्स होते हैं उनकी यहाँ पर जो मैरिज का एक पर्टिकुलर यहाँ पर बातचीत चली गई थी, कि मतलब यहाँ पर उन लोगों ने यहाँ पर अपना हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी, ठीक है, कि यहाँ पर उनकी शादी वगैरह होनी चाहिए। पर यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर अभी मना कर दिया गया था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। पोस्टपोन क्यों करा गया था, रीज़न वॉज क्योंकि यहाँ पर कोविड की सिचुएशन थी, और कोविड की सिचुएशन में यहाँ पर बात करी गई थी कि देखो अभी हाल फिलहाल में जो कोविड है वो यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि हम उस पर यहाँ पर अपना तवज्जो रखें रादर देन इन सारी चीज़ों पर। तो यहाँ पर ये पूरा एडिटोरियल आपका इसी पर बेस्ड है कि यहाँ पर जो आपके सिविल राइट्स इनको देने चाहिए, ये यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर डिस्कस होंगी। ओके चलो, तो यहाँ पर एक ओवरलुक देखते हैं इसके हिसाब से। तो अगर बैकग्राउंड देखें तो देयर वर पेटिशंस जो कि सीक कर रहे हैं यहाँ पर आपका रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन किस चीज़ पर, कि यहाँ पर जो आपके सेम सेक्स मैरिजेस वगैरह होती है अंडर योर हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, 1955, एंड जो आपका स्पेशल मैरिज एक्ट आता है 1954 का, विच वॉज फाइल्ड इन 2020। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि पेटिशन वगैरह यहाँ पर डाली गई थी, किस चीज़ के लिए यहाँ पर पेटिशन डाली गई थी, पेटिशन डाली गई थी यहाँ पर कि जो सेम सेक्स मैरिजेस वगैरह होती है वो यहाँ पर ला दी गई आपके हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। आपका हिंदू मैरिज एक्ट आया था और स्पेशल मैरिज एक्ट आया था कब, आपका 1954 में। ओके, तो यहाँ पर इसको फाइल किया गया। अब सेंटर का जो रिस्पॉन्स था, जो आर्ग्यूमेंट रहा है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आया था इसके तहत, सो इन रीडिंग डाउन द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, द सुप्रीम कोर्ट ओनली डिस्क्रिमिनाइज a particular human behavior but neither intended to nor did in fact legitimize the human conduct in the question. तो basically क्या है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर चीज पर जो मतलब जो प्रोविजन है आपके सेक्शन 377 जो आपका इंडियन पेनल कोड के अंदर आता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज कर दिया था एक पर्टिकुलर आपके ह्यूमन बिहेवियर को, बट यहाँ पर इन्होंने कोई इंटेंशन नहीं दिखाई थी कि यहाँ पर ये शादियाँ होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। और अभी जब यहाँ पे बातचीत हुई तो यहाँ पे बोल दिया गया कि देखो अभी कोविड की सिचुएशन यहाँ पे ज़्यादा चल रही है, तो अभी हाल फिलहाल में हमारी जो तवज्जो है वो कोविड पे जानी चाहिए रादर देन इन सारी चीज़ों पे। तो अगर यहाँ पर एक सोसाइटल मोरालिटी देखें तो देखिए दे एग्जिस्ट अ लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट इन लिमिटिंग द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मैरिज टू पर्संस ऑफ ऑपोजिट सेक्स। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि शादियाँ अगर आपके मेल फीमेल दोनों ही यहाँ पर ऑपोजिट सेक्स हैं उनके बीच में होती है, तो यहाँ पर क्या है कि ये हमारे यहाँ लीगल है, ठीक है, और सोसाइटी के हिसाब से इसको कंसिडर भी किया जाता है। मतलब बेसिकली क्या है कि एक सोसाइटल मोरालिटी है, अगर यहाँ पर सेम सेक्स की शादी होगी, ठीक है, मान लो एक लड़का लड़का शादी कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक जो आपके इंडियन एथोस हैं उनके हिसाब से काफ़ी हद तक गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर सोच के चलनी पड़ती हैं, और आपका जो लेजिस्लेचर है वो यहाँ पर एनफोर्स करता है इसी तरीके के सोसाइटल मोरालिटी को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है कि भैया पब्लिक एक्सेप्टेंस है या नहीं है। क्योंकि अगर ये चीज़ यहाँ पर आप रिकॉग्नाइज नहीं करके इसको एक साइड हटा दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि काफ़ी हद तक यहाँ पर बवाल भी हो सकता है। बट यहाँ पर अगर हम इनके राइट्स के हिसाब से देखें, क्योंकि देखो हर व्यक्ति को अपने जीवन जीने का एक पर्टिकुलर राइट रहता है, तो अगर उसको जिससे भी शादी करनी है या जो भी करना है तो उसका पर्टिकुलर यहाँ पर राइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो दो बेसिस आ जाते हैं आपके, जो यहाँ पर सोशियोलॉजी पढ़ते होंगे, ठीक है, या जिनका ऑप्शनल सोशियोलॉजी होगा, तो वो यहाँ पर इस चीज़ को
काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं कि सोशियोलॉजी में क्या होता है कि आपका पूरा सोसाइटी में जो भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, वो यहाँ पर किस तरीके का इम्पैक्ट करती है, क्या क्या चीजें यहाँ पर एक्सेप्टेंस में आती है, क्या क्या चीजें एक्सेप्टेंस में नहीं आती है, वो सब यहाँ पर तवज्जो दी जाती है उनपे, ठीक है। हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है कि वो यहाँ पर इन सारी चीजों को एक्सेप्ट भी करे, है ना। ऐसा ही है ना, आप लोगों के जो भी इस चीज पर विचार रहेंगे आप लोग प्लीज इस चीज पर शेयर करना, ओके। तो यहाँ पर नॉट इन कॉन्सोनेंस विद एग्जिस्टिंग लॉज, तो यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, अंडर 21 इज सब्जेक्ट टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ एंड इट कैन नॉट बी एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द फंडामेंटल राइट फॉर सेम सेक्स मैरिज टू बी रिकॉग्नाइज अंडर द लॉज विच इज अ फैक्ट मेंटेन द कॉन्ट्ररी। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो आता है, ठीक है, तो उसमें ये प्रोसीजर है कि वो एस्टैब्लिश करे बाय लॉ एंड इट कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, उसको एक्सपैंड नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता आपका सेम सेक्स मैरिज को। और यहाँ पर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है द राइट टू लाइफ, ठीक है, एंड द राइट कैन नॉट बी टेकन अवे एक्सेप्ट थ्रू अ लॉ विच इज सब्सटेंटिवली एंड प्रोसीजरली फेयर जस्ट एंड रीजनेबल। तो यहाँ पर एनी इंटरफेरेंस विद द एग्जिस्टिंग मैरिज लॉ वुड कॉज कंप्लीट हैवॉक विद द डेलिकेट बैलेंस ऑफ द पर्सनल लॉज इन द कंट्री। तो देखो यहाँ पर क्या है कि अभी अगर हम कोई भी चेंजेस वगैरह करते हैं इस चीज़ में कि यहाँ पर हम लोग अलाउ कर दें कि जो आपकी सेम सेक्स मैरिजेस है वो यहाँ पर अलाउ कर दी जाए, तो इससे क्या होगा कि अभी जो एग्जिस्टिंग मैरिज लॉ यहाँ पर चल रहे हैं उसके अंदर अगर हम किसी भी चीज़ का इंटरफेरेंस करते हैं तो काफ़ी बड़ा एक हैवॉक सा जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और उस चीज़ को जो बैलेंस अभी तक होता आ रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो कंट्री में कुछ पर्सनल लॉज हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन पर एक पर्टिकुलर बैलेंस भी होना चाहिए, वो बैलेंस यहाँ पर कहीं हद तक खत्म हो जाएगा। तो जो सेंसिटिविटी है आपके मैरिजेस की लिविंग टुगेदर एज पार्टनर्स और इन अ रिलेशनशिप विद सेम सेक्सुअल इंडिविजुअल इज नॉट कंपेरेबल, ठीक है। बट अगर इंडियन फैमिली की यूनिट कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर आपकी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है, क्योंकि देखो सोसाइटी के हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर वर्क करती हैं। इफ़ यू आर लिविंग इन आई, अगर आप लिव इन में रह रहे हो, ठीक है, अपने किसी भी अगर आप लोग लेस्बियन हो, ठीक है, या फिर इफ़ यू आर गे, तो यहाँ पर उस चीज़ में कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर बात आती है जब शादी की, इंडियन फैमिली यूनिट कॉन्सेप्ट जो आता है जिसमें आपका एक हस्बैंड है, वाइफ है, उनके बच्चे हैं, तो इन सारी चीज़ों पर क्या है काफ़ी हद तक एक सेंसिटिव इशू आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ऑलराइट, उसके बाद देखो यहाँ पर लीगैलिटी ऑफ सेम सेक्स मैरिजेस इन इंडिया। तो देखो यहाँ पर जो राइट टू मैरी है इज नॉट एक्सप्रेसिवली रिकॉग्नाइज्ड आइदर एज अ फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशन राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत तो ये चीज़ नहीं आती है, ना ही इसको यहाँ पर लीगल करने का कोई पर्टिकुलर बात करी जाती है। कोई ऐसा राइट नहीं है कि राइट टू मैरी आप मतलब कोई भी फंडामेंटल या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंतर्गत आएगी। सो दो द मैरिजेस इज रेगुलेटेड थ्रू वेरियस स्टैट्यूटरी इनएक्टमेंट्स एंड इट इज एंड इट्स रिकॉग्नाइजेशन एज अ फंडामेंटल रॉ हैज ओनली डेवलप्ड through judicial decisions of Indian Supreme Court and such declaration of law is binding on all courts throughout India under Article 141 of the Constitution. तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर देखा जाए कि आपकी जो marriages वगैरह हैं, ठीक है, same sex marriages वगैरह, तो वो कहीं हद तक यहाँ पर अभी legal तो है नहीं, ठीक है, ना ऐसा कोई आपका कोई fundamental ऐसा right बनाया गया है कि कोई भी ऐसे शादी कर सकता है। और जो आपका डिक्लेरेशन होता है लॉज का, ठीक है, वो यहाँ पर बाइंड किया जाता है हर कोर्ट में थ्रू आउट योर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन क्या क्या आए हैं इस चीज़ पर, देखो मैरिज एज अ फंडामेंटल राइट, यहाँ पर आपके जो शफीन जहाँ थे वर्सेज अशोकन KM, तो यहाँ पर आपका 2018 में आया था ये, वाइल रेफरिंग टू द आर्टिकल 16 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड पुट्टस्वामी केस, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला था कि जो राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस ओन चॉइस इज इंटेग्रल टू आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आर्टिकल 16 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि प्रोवाइड करता है दे कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम। और राइट टू मैरी जो है आपका, राइट टू मैरी इज इंस्ट्रिक्ट to the liberty which constitution guarantee as a fundamental right and is the ability of each individual to take decision on matters central to persuade on happiness, matters of the belief and faith including whether to believe are the core of constitutional liberty. तो यहाँ पर जो आपका right to marry है, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देखो fundamental right के अंतर्गत आता है, यहाँ पर constitution इसे guarantee करता है, ठीक है, और यहाँ पर जो भी individual है वो अपनी खुशी के हिसाब से जिसके साथ भी यहाँ पर शादी करना चाहता है वो यहाँ पर easily कर सकता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनको यहाँ पर
ये लीगल हो सकती है, ठीक है, डेफिनेटली लीगल हो सकती है, बट यहाँ पर हमारी सोसाइटी के हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं जो उसके बीच में आएंगी, ठीक है। एंड आई पर्सनली फील आप लोग भी इस चीज पर बिलीव करते होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है कि इस चीज को लीगल कर देना इट्स अ एक पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी जगह आई थिंक ये लीगल भी है, ठीक है, बट हमारे देश में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ बचपन से एक ही कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना। और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो एक इंडियन फैमिली का कॉन्सेप्ट रहता है कि आपका हस्बैंड है, वाइफ है, उनके बच्चे हैं, इसके आगे वी हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस थिंग दैट अ मेल इज गेटिंग मैरिड टू अ मेल और फीमेल इज गेटिंग मैरिड टू अ फीमेल, ठीक है। वो सारी चीजें यहाँ पर थोड़ी सी अजीब हो जाती है, ऑल राइट, बट इट्स ऑल अबाउट द सोसाइटी, इट्स नॉट माई, ये हमारे थॉट्स नहीं है, जो आपके ये आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स लिखते हैं, ठीक है, ये आपके सबके लिए हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर हमारे देश में लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उन सबके लिए होते हैं, तो सबके यहाँ पर सोच विचार के लिए यहाँ पर हो जाते हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर कितने कितने एक्ट्स वगैरह यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है, और इसमें कोई अमेंडमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट रहती है, सोशल इशूज़ जो हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको जो आसपास जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, जो आसपास चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में आप लोगों को यहाँ पर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जो स्कोप ऑफ मैरिज है हमारे यहाँ वो रिलीजियस मैरिजेज हैं, है ना, और उसके हिसाब से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर उनके हिसाब से यहाँ पर देखें, हर व्यक्ति का एक सेंटिमेंट होता है जो कि यहाँ पर जुड़ा होता है, कोई भी शादी वगैरह होती है उससे यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, है ना, वही चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी इम्पैक्ट हो जाती है। ऑल राइट, चलो, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग इसे लाइक भी करा करो प्लीज, क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक करा करो। बाकी आप लोगों के जो विचार रहते हैं इस पे, वो आई रियली वांट टू नो कि व्हाट डू यू पीपल बिलीव ऑन दिस, बिकॉज आप लोग UPSC एस्पिरेंट हो और UPSC एस्पिरेंट्स को यहाँ पर बेसिकली हर चीज़ की यहाँ पर सोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप लोगों का एक मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा इस चीज़ पर, आपका एक अपना ओपिनियन होना चाहिए इस चीज़ पर, तो आपका क्या ओपिनियन रहेगा ये आप लोग ज़रूर बताना। चलो, इज देयर एनीवन जिसके पास कोई डाउट है, कोई डाउट है किसी के पास? आज का न्यूज़पेपर ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, तो इजीली आप लोगों के पास पॉइंट्स हैं आज नोट्स बनाने के, इजीली नोट्स बनाना आज, है ना, नोट्स बनाने के पॉइंट्स हैं आज सबके पास, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं आज तो। एनी डाउट? किसी भी तरीके का कोई भी करंट अफेयर्स या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अभी के अभी पूछ लो आप मुझसे, वी हैव टाइम ना। वेरी गुड संतोष, ये कल मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, लोएस्ट ऑर्बिट इज द ऑर्बिट नियर अर्थ सरफेस यूज्ड फॉर सैटेलाइट इमेजिंग एज बीइंग नियर द सरफेस अलाउज इट टू टेक इमेजेस और हायर रेजोल्यूशन। वेरी गुड, हाँ मैंने देख लिया आपने, वेरी गुड। बाकी सबका कहाँ है होमवर्क? मैंने आज होमवर्क दिया था, क्या होमवर्क दिया था आज मैंने? हैव आई गिवन? हाँ, INS त्रिकंड पे, INS त्रिकंड पे आपका होमवर्क है। इट्स ऑल राइट गेमर, एनी डाउट एनीवन? किसी का कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो अभी। नो डाउट, आज का न्यूज़पेपर आपका छोटा था, और आप लोग यहाँ पर जो US और आपका रशिया है, ठीक है, इनके बारे में और भी सारे एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स आएंगे जिसे हमें डिस्कस करना होगा, एंड हम करेंगे इनको डिस्कस आगे जाके। ओके जी, चलिए, तो किसी का कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं है, चलिए। सो द वंस हु आर लाइक
जो हमारी क्लास में नए हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपकी ये जो क्लास है रोज सुबह होती है 8 बजे, आपको 8 बजे रोज सुबह द हिंदू की क्लास यहाँ पे देखने को मिलती है, तो आप लोग रोज सुबह 8 बजे यहाँ पर आ जाया करें, ठीक है। कल तो संडे है, कल तो न्यूज़पेपर ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, कल संडे में एडिटोरियल्स तो आते ही नहीं आपके। कौन से पोर्शन आता है? साइंस एंड टेक आता है, साइंस एंड टेक एंड आपका आता है FAQ, ठीक है, FAQ आता है और साइंस एंड टेक आता है। ऑल राइट, चलो। सो अब हम मिलेंगे कल, कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, ठीक है, कल होती है मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू।